अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश और आप देख रहे हैं कुक बुक विद नाज़िश। आज मैं बनाऊंगी जामुन का जैम, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी के साथ होगा और बहुत ही यमी होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये जामुन है तकरीबन 2 किलो, इनको धो के अच्छी तरह से खुश कर लिया है। फिर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये सारे जामुन की इस तरह से कटिंग कर ली है। अब मैं इन्हें ब्लेंडर के जग में ऐड कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो ब्लेंड हो चुका है अच्छी तरह से, और इसको ब्लेंड करते हुए मैंने थोड़ा सा अंदर पानी ऐड कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके। इसके अंदर 2 कप चीनी ऐड कर दूंगी, इसे चूल्हे पे चढ़ा दूंगी 20 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए, मिक्स हो जाए। ये देखें इसके अंदर झाग झाग सी है, तो जब तक ये झाग ख़त्म नहीं होगी तो आपने खड़ा होकर इसको लगातार हिलाना है हल्की आंच पे, तो वरना ये बह जाएगा। मैंने ढक दिया इसे इस तरह से, फुल मैंने नहीं ढका, अगर फुल ढकेंगे तो ये गिर जाएगा बॉइल हो के। ये देखें जैम जो है ये बन चुका है, इसको इस इतना थिक उतारना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं उतारना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी अभी थिक होगा। तो अब मैं इसको रखती हूँ ठंडा करने के लिए, ठंडा होगा फिर इसको मैं किसी जार वगैरह में डाल दूँगी। ये देखें ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद ये कितना थिक हो चुका है, बहुत मज़े का ज़बरदस्त किस्म का जैम बनाए। ये मैं इस जार में डाल दूँगी जो कि बिल्कुल खुश्क है और इसके अंदर एक पानी का कतरा नहीं है। हूँ स्लाइस पे, इसके अंदर मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला, ये अपना कलर है जामुन का। तो कैसी लगी आपको रेसिपी जैम की? अगर पसंद आ गई हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।